चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास है प्रिंटर। हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले आपको पिछले क्लासेस में मॉनिटर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। हम देखेंगे प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर इट मीन्स कि वो मशीन जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में बनाए गए किसी भी डेटा का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने अपने कंप्यूटर में अपना एक बायोडाटा प्रिपेयर किया है और अब आप उसको पेपर पे छापना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक मशीन की ज़रूरत होती है और उस मशीन को हम कहते हैं प्रिंटर। प्रिंटर को हम लोग हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहेंगे। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्यों कहेंगे ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस? क्योंकि देखिए प्रिंटर से जो डेटा हमको प्रिंट होकर के मिलेगा हम उसे छू सकते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा नोट्स है, तो ये कहीं ना कहीं कैसे प्रिंट हुआ होगा, तो ये प्रिंटर का इस्तेमाल करके ही प्रिंट किया गया है। हम अपने पेपर को प्रिंटर मशीन में डाले, सिस्टम में हमने जो भी टाइप किया हुआ है उसको हम प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट कर लिए, तो ये क्या हुआ प्रिंट करके ये डेटा हमको हार्ड कॉपी में मिल गया। हम वैसे डिवाइस को प्रिंटर के नाम से जानेंगे। इसे हम ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि ए प्रेस किए और ए प्रिंट हो गया, बी प्रेस किए बी प्रिंट हो गया, सी प्रेस किए सी प्रिंट हो गया, ऐसा नहीं प्रिंट होता। पहले आपको सारा डेटा प्रॉपरली तैयार करना होता है और जब आप पूरा डेटा तैयार कर लिए, जब आप श्योर हो गए सारा कुछ कि हाँ अब हमको पेपर पे इसको छापना है, तो मान लेते हैं एक पेज दो पेज दस पेज बीस पेज पचास पेज जितना आपने डेटा तैयार किया हुआ है आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, बस इकट्ठे पहले तैयार करिए और फिर प्रिंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करके उसको अपने पेपर पे प्रिंट करिए, हम उस डिवाइस को प्रिंटर कहेंगे। बेसिकली टू टाइप्स के प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल हैं आज के डेट में। हम लोग इन दोनों ही टाइप के प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रिंटर का टाइप होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होता है हमारा इम्पैक्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट। देखिए याद रखना बहुत ही सिंपल है। इम्पैक्ट प्रिंटर हम वैसे प्रिंटर को कहते हैं जिसमें रीवन होता है, जिसमें रीवन होता है, और नॉन इम्पैक्ट वैसे प्रिंटर को कहते हैं जिसमें इंकपॉट होता है। अब देखिए अगर आप केवल इतना याद रखें ना कि प्रिंटर में रीवन होता है और प्रिंटर में इंकपॉट होता है, तो आपको ये सारा कुछ खुद ब खुद समझ में आता चला जाएगा। सबसे पहले हम रीवन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि जिस प्रिंटर में रीवन होता है, रीवन मतलब कि इंपैक्ट प्रिंटर। कैसा रीवन, पहले चलिए इसको हम देख लेते हैं कि रीवन होता है तो कैसा होता है। ये देखिएगा जैसा एक टाइपराइटर मशीन में रीवन होता है ना, ठीक वैसा ही इसमें एक रीवन होता है लगा हुआ इंपैक्ट प्रिंटर्स में, और ये रीवन की सहायता से पेपर पे हिट करता है और तब जाकर के ये प्रिंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अगर आप लोग इसमें रीवन नहीं देख पा रहे हैं तो हम इसको एक काम करते हैं, आपको टाइपराइटर मशीन पहले दिखाते हैं। ये देखिए टाइपराइटर मशीन में क्या टेक्नोलॉजी होती है कि एक रीवन लगा हुआ है, और ये रीवन क्या है कि ये जो हैमर है, ये हैमर जो है वो रीवन पे हिट करता है, रीवन पे हिट करता है, और तब जाकर के रीवन में जो इंक छपा हुआ है ना, ठीक वही इंक हमारे पेपर पे हीट की वजह से प्रेस होता है और तब जा करके वो छपाई के काम को कंप्लीट करता है। ठीक ऐसा प्रिंटर, मतलब ऐसा डिवाइस जो हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, वो प्रिंटर में भी ठीक ऐसा ही रीवन होता है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं रीवन। देखिए आपको दिखाई देगा इस ढंग का रीवन लगा हुआ होता है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ऐसे, और ये क्या करता है इसमें भी एक जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ठीक वैसा ही कि पेपर पे ये रीवन वाला ही इंक चिपकेगा और तब जा करके प्रिंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है ये। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं।
हमने बताया कि इंपैक्ट प्रिंटर में रिबन होता है। अब रिबन होने से कुछ चीजें खुद क्लियर हो गई। एक, रिबन जिस कलर का होगा उस कलर में ये प्रिंटिंग करेगा, यानी सिंगल कलर। रिबन होगा यानी प्रिंटिंग प्रोसेस स्लो होगा। रिबन होगा यानी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। रिबन होगा यानी कि इसका प्रिंटिंग कॉस्ट कम होगा। रिबन होगा यानी प्रिंटिंग के टाइम साउंड पॉल्यूशन होगा। रिबन होगा यानी सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है। रिबन होगा मतलब ग्राफिक प्रिंट नहीं होगा, ग्राफिक को प्रिंट नहीं कर सकेगा। वैसा प्रिंटर जिसमें रिबन सेट लगा हुआ है, जिसमें इंक पॉट नहीं है, जिसमें टोनर नहीं है, जिसमें कार्टेज नहीं है, हम ऐसे प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। हम देखिए कुछ लोकेशंस आपको बता रहे हैं। आपने बैंक का पासबुक अपडेट किया होगा कभी न कभी, आप कभी न कभी पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट कराए होंगे, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, आपके घर में टेलीफोन बिल आता होगा, तो इन जगहों पे जिस टाइप के प्रिंटर का इस्तेमाल होता है, आप इमेजिन करिए कि आप पासबुक अपडेट करा रहे हैं तो किस तरीके से मशीन से आवाज आती है, करीर 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 करीर, और तब जाकर के छपाई का काम कंप्लीट होता है। तो आप ध्यान दीजिए, सिंगल कलर में भी अपडेट होता है पासबुक आपका, स्लो होता है, ऐसा लगता है जैसे बस हो रहा है धीरे धीरे। प्रिंटिंग क्वालिटी क्या इतना अच्छा होता है कि बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है, वाह एकदम क्लियर है फुल, नहीं ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि इसका प्रिंटिंग कॉस्ट काफी कम आता है। हाँ, प्रिंटिंग के टाइम थोड़ा साउंड पॉल्यूशन होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की जरूरत होती है। आप रेलवे स्टेशन स्टेशन पे जब प्लेटफॉर्म टिकट लेते होंगे, या कोई भी टिकट लेते होंगे, रेल टिकट जो ऑनलाइन आप बुक करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो आप काउंटर से टिकट लेते हैं, इन सारे जगहों पे आप क्या पाते हैं, आप इम्पैक्ट प्रिंटर्स के यूजेस पाते हैं। खास करके ये सारा जितना भी चीज़ आप देखें, मैक्सिमम तौर पे आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ही ये मिलता है। प्राइवेट स्तर से बहुत कम कंपनियों के द्वारा या बहुत कम दुकानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम ये नहीं करें कि प्राइवेट स्तर पे दुकान में इस्तेमाल नहीं होता। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और उसका जो बिल आपको मिलता है, वो बिल जो कि कंप्यूटराइज्ड बिल आपको मिलता है, वो भी एक टाइप का इम्पैक्ट प्रिंटर ही हुआ। इसके कुछ उदाहरण हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम रोल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। ये सब के सब इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ही उदाहरण हैं। ये सब के सब प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इन सारे में रिबन सेट लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से प्रिंटिंग के काम को कंप्लीट करता है। इसकी छपाई उतनी अच्छी नहीं होती है, सिंगल कलर में प्रिंट करता है। इसका छपाई कुछ इस ढंग से होता है कि मान लेते हैं आपको ये दिखाना है, तो ए ऐसा दिखता है, मतलब डॉट 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 से बना हुआ, या फिर आपको ऐसा दिखता है, या फिर आपको ऐसा दिखता है, और हम लोग अगर नॉन इंपैक्ट की बात करेंगे ना, तो वो हमको क्लियर ऐसा दिखता है। डिफरेंसेस आप खुद देख सकते हैं। चलिए हम अब नॉन इंपैक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। ये हमने इंपैक्ट प्रिंटर्स का उदाहरण दिया। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वैसा प्रिंटर होता है जिसमें कि इंक पॉट होता है, जिसमें कि इंक पॉट होता है। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं, और क्लियर करके हम फिर से नॉन इंपैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं।
नन इम्पैक्ट में हमने बताया कि इंक पॉट होता है, तो अब इसमें क्या क्या बातें खुद आ जाएगी कि इंक पॉट होता है, जो इंक पॉट होता है उसको टोनर या कार्टेज कहते हैं। कार्टेज का स्पेलिंग होता है CARTRIDGE, टोनर या कार्टेज कहते हैं। इस टाइप के प्रिंटर का इस्तेमाल करके हम लोग टेक्स्ट या ग्राफिक दोनों प्रिंट कर सकते हैं। ये सिंगल या मल्टी कलर दोनों क्वालिटी में हमको प्रिंटिंग दे सकता है। इस टाइप के प्रिंटर का अगर हम यूज़ करें तो इसमें साउंड पॉल्यूशन नहीं या कम होता है, या तो कम होता है या नहीं होता है। इसके स्पीड की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट की अपेक्षा ये बहुत फास्ट होता है। अलग अलग इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अलग अलग स्पीड होते हैं। ये 5 से लेकर के 30 पेज पर मिनट तक का भी प्रिंटिंग दे सकता है हमको। 1 मिनट में 5 पेज भी और 1 मिनट में 30 पेज भी, निर्भर करता है आप कौन से टाइप का इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं। हम अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात कर लें तो इसमें क्वालिटी अच्छी होती है, कारण कि इसमें इंक पॉट है। अब इंक पॉट है तो इसकी क्वालिटी बेशक अच्छी होगी, सिंगल या मल्टी कलर होगा, हम जो चाहे वो प्रिंट कर सकते हैं। हम उन प्रिंटर्स की बात कर रहे हैं जो प्रिंटर आप आम तौर पे किसी घर, किसी ऑफिस, किसी कंपनी या जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, सब जगह हम और आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का ही इस्तेमाल किया करते हैं। क्यों इस्तेमाल किया करते हैं, इसके पीछे कोई खास वजह जरूर होगा। वो वजह सिर्फ एकमात्र है कि इसमें मौजूद टोनर और कार्टेज में इंक भरा हुआ होता है, और वो इंक की सहायता से जब प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। हम मानते हैं कि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा इसका प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप जितने भी फोटो स्टूडियोज हैं वहाँ जो प्रिंटर पाते हैं जिससे आप अपना फोटो प्रिंट किया हुआ पाते हैं, वो सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ही उदाहरण हैं। चलिए हम इनका भी एक उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो होम, ऑफिस, कंपनी, आप शॉप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब जगह जितना चीज आप छपाई का मटेरियल पा रहे हैं सब नॉन इम्पैक्ट से। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं, नॉन इम्पैक्ट के भी दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं यहाँ। एक होता है लेजर और एक होता है इंकजेट। एक लेजर और एक इंकजेट। लेजर वाले में जो टोनर होता है उसमें पाउडर्ड इंक फील होता है, पाउडर्ड इंक फील होता है, और इंकजेट वाले में जो कार्टेज होता है उसमें लिक्विड इंक फील होता है। देखिए अगर आप इतना समझ जाएंगे कि लेजर प्रिंटर में पाउडर इंक का इस्तेमाल होता है और इंकजेट में लिक्विड का इस्तेमाल होता है, अगर आप ये समझ गए ना तो फिर आप इन दोनों प्रिंटर्स को भी बारीकी से समझ गए। लेजर में एक्चुअली जो टोनर होता है उसमें पाउडर इंक अगर फील होगा तो समझ लीजिए कि प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होगा, अच्छा तो होगा, इंपैक्ट की अपेक्षा अच्छा होगा, लेकिन लिक्विड इंक से प्रिंट करने वाले नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की अपेक्षा अच्छा नहीं होगा, यानी कि पुअर क्वालिटी होगा इसका। आप कह सकते हैं कि इसका क्वालिटी अगर गुड होता है तो इसका क्वालिटी बेस्ट होता है। लेकिन फिर एक बात और है कि इसका प्रिंटिंग कॉस्ट कम आता है और इसका प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा आता है, मतलब ये कम कॉस्ट और इसका प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। ये लेज़र प्रिंटर को चलाने के लिए हमें ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है क्योंकि पाउडर इंक होता है इसमें, ये एक हीटर से होकर के गुजरता है और तभी पेपर पे चिपका हुआ रहता है, तो इस वजह से इससे पेपर जो छप करके निकलेगा वो छू करके दिखेगा गर्म लगेगा। तो समझ लीजिए कि प्रिंटर से छप करके जब कोई चीज़ निकल रहा है और पेपर आपको छूने पर गर्म फील हो रहा है तो समझ जाइए कि वो इंकजेट प्रिंट सॉरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेज़र प्रिंटर है। और अगर आप पेपर प्रिंटर से निकलता हुआ पा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें मॉइस्चर है,
हल्का गीला फील हो रहा है, मॉइस्चर है। हम ये नहीं करें कि गीला पूरा भीगा हुआ, नहीं, सिर्फ मॉइस्चर है, वो गर्म नहीं है पेपर। तो समझ जाइए कि वो इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल करके हुए प्रिंटिंग हो रहा है। दोनों ही प्रिंटर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि हमें अगर फोटो प्रिंटिंग करना है, कलरफुल फोटो प्रिंट करना है, तो हम आपको यही राय देते हैं कि फोटो प्रिंटिंग के लिए हम लोग इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि किसी टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए हम लोग लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको कई सारी बातें समझ में आएगी। हम इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम आपको एक बार दिखाना जरूर चाहेंगे कि दोनों प्रिंटर्स किस किस टाइप्स के दिखाई देते हैं आपको। चलिए किसी लेजर प्रिंटर की हम बात करते हैं पहले। लेजर प्रिंटर देखिए, हमने बताया कि इसमें क्या होता है, पाउडर इंक फील होता है। देखिए इसमें ये इतना बड़ा टोनर होता है, और इतना बड़ा टोनर हमारे प्रिंटर के अंदर लगा हुआ होता है। समझिए जब इतना बड़ा टोनर लगा हुआ है तो क्या होता है, इसकी वजह से इसमें एक सिंगल कलर का इंक रहेगा, पाउडर इंक रहेगा, और इसी की वजह से छपाई होता है। अब एक टोनर से समझ जाइए कि 1000 से 2000 पेजेस प्रिंट होते हैं, और ये प्रिंटर कुछ इस ढंग का, ये सब 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 लेजर प्रिंटर के ही उदाहरण है। आप जितने प्रिंटर्स यहाँ ऑन स्क्रीन देख रहे हैं सब लेजर प्रिंटर का उदाहरण है। नीचे की हम बात नहीं कर रहे, ये इंकजेट प्रिंटर का उदाहरण है, ये लेजर प्रिंटर नहीं है, ये लेजर प्रिंटर नहीं है, सब लेजर प्रिंटर। यहाँ पे ये प्रिंटर देखिए, ये इंकजेट प्रिंटर है, ये इंकजेट प्रिंटर है, बाकी यहाँ पे मौजूद लेजर प्रिंटर है। इसमें भी 3 in 1 आता है, जैसे ये एक 3 in 1 है कि स्कैन भी, कॉपी भी और प्रिंट भी, मतलब आपको स्कैनर मशीन अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये स्कैनिंग भी कर लेता है, ये प्रिंटिंग भी कर देता है, और फोटो कॉपी भी करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो और सिस्टम से तो कनेक्ट हो ही सकता है। अगर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर में आप क्या पाते हैं कि इंकजेट प्रिंटर में भी आपको स्कैन कॉपी और प्रिंट मिल जाता है, इसमें लिक्विड इंक होता है। अगर इंकजेट आप देखिए कैसा दिखता है वो, तो इंकजेट प्रिंटर कुछ इस ढंग का दिखाई देता है। आमतौर पे इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनको कलर डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट करने की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो वो लोग इसी टाइप के प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया करते हैं। फोटो प्रिंट करने की ज़रूरत होगी तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हम अगर प्रिंटिंग कंसेप्ट की बात कर लें तो हमारा प्रिंटर जो है वो 4 कलर का इस्तेमाल करता है किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए, और वो है देखिए, ये सियान, ये मेजेंटा, ये येलो और ब्लैक। नियम से यही 4 कलर हैं जिनका इस्तेमाल करके हमारा एक कंप्यूटर, मतलब एक प्रिंटर किसी भी डेटा को प्रिंट करता है। और हम डिस्प्ले की अगर बात कर लें तो मॉनिटर हमारे किसी भी डेटा को डिस्प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ 3 बेसिक कलर, 3 प्राइमरी कलर, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, आर जी और बी। और प्रिंटर किसी डेटा को प्रिंट करता है 4 कलर कॉम्बिनेशंस की मदद से, वो है सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे, IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से, हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा आईडी हमने यहाँ पे आपको दिखाया, हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन
ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।